दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सोलर एनर्जी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि अभी के टाइम आप देख पा रहे हो सोलर एनर्जी ने भाई आज फिर 5% का अपर सर्किट लगा दिया है। देखिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है मॉर्गन स्टेनली की तरफ से। भाई मॉर्गन स्टेनली ने स्टॉक को लेकर टारगेट एंड रेटिंग दी है एंड इस रेटिंग के बाद अगर आप देखोगे शेयर के अंदर भाई एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। एंड रही बात मार्केट की तो मार्केट ने भाई एंड होते होते अपनी जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो खो दी है। मार्केट अगर देखोगे क्लोजिंग के टाइम ऑलमोस्ट भाई 64 पॉइंट पे ही क्लोज होता हुआ देखने को मिला है, जबकि इंट्राडे में आज मार्केट भाई 300 पॉइंट हमें ऊपर देखने को मिल रहा था जबकि क्लोजिंग हुई है ओनली फॉर आप देख लो यहाँ पे 64 पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती है एंड करंटली स्थिति क्या, सारी चीज वीडियो में अपन कवर करेंगे। देखेंगे कि सोलर एनर्जी यहाँ से कहाँ तक जाएगा क्योंकि मॉर्गन स्टेनली के टाइम भाई 71 को लेकर बोल रहा है कि 71 रुपये तक के टारगेट यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा नहीं मॉर्गन स्टेनली का कहना है। डाटा अगर देखा जाए भाई यहाँ पे तो आज का जो यहाँ पे लो था ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 59 रुपये एंड 42 पैसे स्टॉक का लो था जहाँ से शेयर ने अपर सर्किट क्रिएट किया है। बात करें वॉल्यूम की तो भाई 7 करोड़ 9 लाख शेयर में ट्रेड होते हुए देखने को मिले, जहाँ पर हमने देखा कि 737 करोड़ के ये शेयर थे जो मार्केट में ट्रेड हो चुके हैं, जिनमें से अगर आप देखेंगे तो 41% शेयर ऐसे थे जो डिलीवर होते हुए नजर आए जो कि बहुत ही अच्छा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। एंड देखिए आज की जो वॉल्यूम थी ठीक ठाक देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे सर्किट था एंड सर्किट में 7.5 करोड़ शेयर ट्रेड होना बहुत बड़ी बात है, यानी कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी करी है। बट इसके साथ भाई बायर इतने थे कि स्टॉक को यहाँ पे खुल नहीं दिया। एंड सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अभी के टाइम देखिए करंट प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो एमओ के अंदर भाई 1.4 करोड़ की बड़ी बाइंग ऑर्डर लगा हुआ, यानी कि देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे करंट प्राइस डाटा तो करंट प्राइस पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 63 लाख की क्वांटिटी नजर आ रही है। इसका सीधा संकेत क्या है कि कल भी शेयर के अंदर हमें सर्किट देखने को मिल सकता है क्योंकि बायर अभी के टाइम बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्टॉक भाई 60 रुपये के नीचे आए, इसका मतलब है कि यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगी उन लोगों के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, क्योंकि 60 रुपये के नीचे आने का मतलब है कई बड़े रीजन होना। रीजन क्या है, मार्केट रीजन हो गया, जो आपका मैनेजमेंट था वहाँ से बड़ी अपडेट आई, तो ये कई सारे रीजन हो गए थे। एंड जबकि खबर आया जब कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिले, कंपनी ने अपने प्रॉफिट में 98% का जंप दिया, तब स्टॉक हमें गिरता हुआ देखने को मिला। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझनी चाहिए थी। एंड सबसे बड़ी बात चलो यहाँ पर हमने खरीदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम तो ये है कि वो लोग जो भाई डर के बेच चुके हैं, जो लोग 60 रुपये के नीचे निकल चुके हैं गिरावट के अंदर, जबकि शेयर भाग रहा था तब तो भाई वो मजे ले रहे थे बेचे नहीं, बट जब भाई शेयर गिरना स्टार्ट हुआ तो इस एक ऑलमोस्ट 60 रुपये के नीचे जाके उन्होंने शेयर को सेल कर दिया, क्यों डर लगा कि भाई पता नहीं अब तो गिर जाएगा। एंड अभी के टाइम आपका जो पी है वापस बढ़ के 81 का आ चुका है। एंड मेन चीज इंट्राडे चार्ट पर फोकस करें तो भाई सुबह ही शेयर के अंदर में यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिल गया, उसके बाद आप देखोगे तो अपर सर्किट खुला ही नहीं। एंड अभी के टाइम ऑलमोस्ट देखोगे एमओ में भाई बड़ी क्वांटिटी लगी हुई है, तो चांस है कि शेयर अगेन कल भी यहाँ पे धमाका कर दे। अब जैसा कि मैंने मॉर्गन स्टेनली के बोला कि मॉर्गन भाई क्या बोल रहे हैं तो एक बार उनका भी अपडेट हम चेक करते हैं। देखिए दोस्तों 38% टूटा ये शेयर, रेटिंग बढ़ते ही शेयर खरीदने की मची लूट एंड लग गया 5% का अपर सर्किट। हम बात करें सोलर एनर्जी के बारे में, देखिए दोस्तों 38% तक हाल के अंदर शेयर के अंदर में गिरावट देखने को मिली थी। विंड एनर्जी कंपनी सोलर एनर्जी के शेयरों में तूफानी तेजी जारी है। सोलर एनर्जी के शेयरों में मंगलवार को भी 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है एंड 62-37 स्टॉक हमें क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के शेयरों में ये तेजी जो आई है भाई रेटिंग को लेकर बड़ी अपडेट के बाद आई है। देखिए विदेशी ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टेनली ने सोलर एनर्जी के शेयरों को खरीदने को खाया है एंड मॉर्गन स्टेनली ने कंपनी के शेयरों की रेटिंग को अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने पहले से सोलर एनर्जी के शेयरों पर जो यहां पे इंक्लूडेड रेटिंग कर दी थी एंड उसमें से अगर देखा जाए तो टारगेट 71 का कर दिया है, पहले 78 रुपये के आसपास के स्टॉक के टारगेट थे। देखिए दोस्तों ब्रोकरेज हाउस ने मॉर्गन स्टेनली सोलर एनर्जी के शेयरों में 71 रुपये का टारगेट प्राइस बनाए रखा है। ब्रोकरेज हाउस ने अपने नोट में लिखा है कि सोलर एनर्जी के शेयरों में आया तेज करेक्शन शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी के स्टॉक जुटाने का एक मौका, यानी कि गिरावट में अपॉर्चुनिटी है, ये किसका कहना है मॉर्गन स्टेनली का, एंड जुटाने का एक मौका है। 86.04 रुपये के हाल यहाँ उच्चतम स्तर से शेयर गिरा है एंड बड़ी गिरावट हुई 38% के आसपास एंड वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के शेयरों में 9% की गिरावट देखने को मिली थी भाई एक ही दिन के अंदर, ठीक है ना। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस बैंड 10% से घटा के 5% भी कर दिया गया था। इसी के साथ देखिए सबसे बड़ी चीज़ अब यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि RSI बहुत ही डाउन था एंड रिवर्सल आ चुका है, 2-3 दिन से कंटिन्यू शेयर के अंदर तेजी आ रही है एंड 62 के लेवल ब्रेक हो चुके हैं। मैंने पहले बताया था कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो मैंने कल की वीडियो में बताए थे कि ऑलमोस्ट भाई 59 रुपये के आसपास के कुछ लेवल बनेंगे, अगर ब्रेक होते हैं धमाका हो सकता है एंड धमाका हो चुका है। तो एमओ बड़ा अभी के टाइम स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है एंड कल भी यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि देखिए एक तो मार्केट में आज पॉजिटिव मार्केट का भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि स्टॉक सपोर्ट मिला है एंड वही दूसरी तरफ भाई मॉर्गन स्टेनली ने अपडेट दे दी है, टारगेट यहाँ पे 71 रुपये के हैं तो 71 से भी ये टाइम नीचे ट्रेड करता है, तो ये कहीं ना कहीं अगर लोगों में देखें तो एक पॉजिटिविटी हमें अगेन देखने को मिलेगी। देखिए पावर सेगमेंट की आज बात की जाए कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो देखिए आपके अदानी वगैरह के शेयर जिस प्रकार मार्केट ने रिएक्ट किया लास्ट टाइम पे मार्केट में नीचे आता हुआ देखने को मिला, इन शेयरों में की जो स्ट्रेंथ थी वो इन्होंने खो दिया एंड आप देखो कि ज्यादातर शेयर यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे नीचे आते हुए देखने को मिले क्योंकि मार्केट भी नीचे आ चुका था, तो इस वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिली है।